था, सुबह जो तूफान आया उसने जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी उखाड़ कर जमीन में। सर ये रात को जोरदार तूफान आया, साढ़े चार और तीन गाड़ियों के ऊपर और एक पेड़ गिरा हुआ, एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ। राजधानी दिल्ली में आज सुबह जो तूफान आया उसने जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी उखाड़ कर दिए। इस वक्त हम तिमारपुर में मौजूद है, जरा आप देख सकते हैं ये एक पीपल का वृक्ष है, करीब इसकी उम्र जो है 110 साल पुराना वृक्ष बताया जा रहा है। ये एक पार्क में खड़ा हुआ था और जब रात आंधी आई, आप देख सकते हैं जो दीवार भी यहाँ पर टूट चुकी है और सड़क के ऊपर इतना भारी जो वृक्ष है यहाँ पड़ा हुआ है। साथ ही इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा PW डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो इसको काट कर यहाँ पर हटा रहे हैं। साथ ही इस तरह की कोल इनके पास में आइए, 10 से 12 पेड़ जो टूटे हैं। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर एक भारी नुकसान भी हुआ है, एक आम का पेड़ टूट के नीचे गिरा, जहाँ बिलानो कार खड़ी हुई थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। फिलहाल जान मान की हानि तो है नहीं, इनसे बात करते हैं। सर किस तरह की कोल आई हुई है, किस तरह का पेड़ आप हटा रहे हैं, क्या लग रहा है? रोड पे पेड़ टूटे पड़े हैं, रोड जाम हुए है, इसीलिए हम आए हैं काटने के लिए। क्या लग रहा है वृक्ष कितने बड़ा भारी तूफान होगा जिससे टूटा होगा? ये नहीं मालूम है हमें, हम दूसरी जगह रहते हैं, कीर्ति नगर से आते हैं जी। कितने ऐसे वृक्ष हटा चुके हैं अभी तक? अभी तक 3 वृक्ष जी। चलो यहाँ पर और यहाँ स्थानीय निवासी, इनसे भी हम बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर यहाँ पर सुबह कितने बजे आवाज़ हुई, क्या दीवार टूटी, कितना नुकसान हुआ यहाँ? ये सर 4:30 बजे के आसपास जोरदार आंधी चली, हवा का प्रेशर वगैरह था, उसके से यातायात सारा जाम हो गया, रोड पेड़ गिर गए हैं। कोई जान मान की हाली तो नहीं, कोई आदमी किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, आदमी को तो किसी को चोट नहीं आई सर। आपको बता दें अभी मानसून अभी दिल्ली में दस्तक नहीं दी है, लेकिन मानसून से पहले जो आंधी तूफान इस तरह इस मौसम में आया करते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे किसी को नहीं पता था, क्योंकि 2 दिन से लगातार भीषण गर्मी भी पड़ रही थी और सुबह अचानक मौसम बिगड़ा और जो तेज़ तूफान आया उस तूफान ने पेड़ों को उखाड़ कर ज़मीन पर फेंक दिया। फिलहाल यहाँ जान मान की तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन इनकी वजह से जो सड़कें हैं वो जरूर जाम हो गई हैं। PWD विभाग इसको हटा रहा है, यहाँ तक काट काट के इसको हटाया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस तरह के कितने वृक्ष गिरे हैं, और ये भी जांच का विषय है जो बड़े वृक्ष होते हैं आखिरकार क्यों इन वृक्षों के समय रहते छटाई क्यों नहीं की जाती, जब ये भारी भरकम हो जाते हैं आंधी तूफान आने के बाद में गिरने का डर हमेशा लगा रहता है। फिलहाल जो रात आंधी आई है, इस तरह के 10 से 12 पेड़ तिमारपुर विधायक जमीन से उखड़ कर सड़क के ऊपर आ चुके हैं। मनसी महमद, AA न्यूज़ दिल्ली। पास 10 बजे करीब कॉल गई कि यहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं और गाड़ी भी टूट गई है और 3 गाड़ियों के ऊपर और एक पेड़ गिरा हुआ, एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा हुआ और रोड बिल्कुल बंद है। सर कैसे टूटे? सर ये जो सुबह के टाइम बारिश और हवा ही ना, उसकी वजह से पेड़ सारे नीचे गिर गए। अच्छा जी, तो ये और ये आम का पेड़ बीच में से फट गया और वो गाड़ी के ऊपर था, गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। ये है बेलनो, यहाँ कम से कम भी 10-12 पेड़ गिरे, पास में इनकी दीवार टूट गई है और काफी नुकसान हुआ उनके घर में भी, पीछे एक और मकान में दीवार सारी टूट गई है 2, और उनकी भी गाड़ी डैमेज हुई है, और छतरी वाले पार्क में 3 पेड़।